मैं माँ हूँ, धरती माँ। होनी अपने निर्णय समय से पहले नहीं सुनाती। जीवन में कोई मोड़ क्यों आता है ये तब तक ज्ञात नहीं होता जब तक कि उस मोड़ के आगे का मार्ग ना दिखाई दे। श्री राम, जानकी और लक्ष्मण वहां पहुंचने वाले हैं जहां संसार की इस महान कथा का सबसे अनोखा मोड़ आएगा। वाल्मीकि का आश्रम जानकी के जीवन में क्या भूमिका निभाएगा ये अभी जानकी को भी नहीं पता, किंतु होनी उन्हें वहां ले आई है जहां एक अनुपम कथा जन्म लेगी। अतिथिगण, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कृपया ऋषि वाल्मीकि को सूचना दीजिए कि अयोध्या से राम, जानकी एवं लक्ष्मण उनके दर्शन करना चाहते हैं। जो आज्ञा। गुरुदेव, अयोध्या के राजकुमार श्री राम, जनक नंदनी सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण आश्रम पधारे हैं। हे साधक, हे संत विचारक, हे आदि कवि वाल्मीकि, मुझे अपने चरण स्पर्श करने का सौभाग्य दीजिए। नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं तो कुख्यात दस्यु था, अपराधी था। लोग मेरा नाम सुनकर कांप उठते थे। मैं तो बहुत बुरा मानव हूं। यह तो उस ब्रह्म की कृपा है कि मैं उस अंधेरे से बाहर निकल आया। फिर भी मैं स्वयं को इस योग्य नहीं समझता कि मेरे चरण स्पर्श किए जाए। हे ऋषि श्रेष्ठ, जिस प्रकार एक वृक्ष का बीज जब धरती के ऊपर रहता है तो उतना सुंदर और सुडौल दिखाई नहीं देता, किंतु जब वही बीज धरती की कोख में समाकर एक वृक्ष बनकर उभरता है तो समस्त संसार के लिए हरे पत्ते, सुगंधित पुष्प एवं स्वादिष्ट फलों का कोष बन जाता है। उसी प्रकार जब आप घोर तपस्या और ज्ञान में डूबकर उभरे तो सारे संतों और महान कवियों के आदर्श बन चुके। जो व्यक्ति अपने कर्म से महान कहलाता है उसकी महानता की कोई सीमा नहीं होती। ऋषिवर, प्रणाम। गुरुदेव, सौभाग्यवती भाव, तुम्हें देखकर मेरे मन में जो भावना उठ रही है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पुत्री कहकर पुकारूं। केवल पुकारिए नहीं ऋषिवर, पुत्री समझिए भी। चिरंजीव विभाव, भले समय पर आए आप लोग, मैं आपके बाल्यकाल से जीवन का चरित्र चित्रण कर रहा हूं और मेरी ये प्रबल इच्छा थी कि उसका अवलोकन उसी के हाथों हो जिसका ये चरित्र चित्रण है। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज ये अवसर मेरे हाथ आ गया। देव भाषा का इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञाता एक साधारण शिष्य से अवलोकन के लिए कह रहा है। मैं आपका स्थान जानता हूं। आपके कुलगुरु वशिष्ठ मुझे बता चुके हैं कि आप साहित्य, कला
एवं संस्कृति के असाधारण ज्ञाता एवं विद्वान है। अवलोकन तो आप ही को करना होगा। आइए विश्राम कीजिए। महाराज की जय हो। सेनापति, क्या समाचार मिला? मेरे गुप्तचर कुछ समाचार लाए हैं महाराज, और उन्हें सुनकर मैं कुछ उलझन में पड़ गया हूँ। क्या सोचना है इतनी चिंताजनक है? चिंताजनक तो कहना उचित न होगा मेरे लिए, पर हाँ आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। आप मेरा कौतूहल बढ़ा रहे हैं, कृपा शीघ्र बताइए क्या सूचना लाए हैं आपके गुप्तचर। गुप्तचरों का कहना है कि राजकुमार भरत के साथ विशाल सेना तो है ही, गुरु वशिष्ठ और तीनों राजमाताएं भी हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? यह स्वयं मैं समझ नहीं पाया महाराज। इसका अर्थ यह हुआ कि राजकुमार भरत जो मेरे ज्येष्ठ जामाता से युद्ध करने जा रहे हैं, उनके लिए कुल गुरु वशिष्ठ की सहमति और तीनों राजमाताओं की अनुमति भी प्राप्त है, जो असंभव है। या फिर राजकुमार भरत का उद्देश्य युद्ध नहीं, कुछ और है जो संभव है। युद्ध के अतिरिक्त उनका उद्देश्य और क्या हो सकता है महाराज? ये जानने के लिए हमें अपने आप को और अपनी सेना को छिपा कर रखना होगा, और राजकुमार भरत और उनकी सेना की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी, और फिर उचित समय पर उचित पग उठाना होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? सेना को आदेश दीजिए कि वो हमसे दूरी पर हमारे पीछे रहे, केवल हम और आप आगे जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। मेरी राजदुलारी सीता न जाने वन के कष्टों को कैसे झेल रही होगी। सीता, सीता, सोच में पड़ गए स्वामी। मेरे नेत्रों के समक्ष वो दृश्य घूम गया देवी, जब मैंने पहली बार आपको जनकपुरी की एक पुष्प वाटिका में ऐसी ही एक भोर में पुष्प तोड़ते हुए देखा था। तब आप जनकपुरी में थी, राजकुमारी थी, किंतु आज कोई अंतर है स्वामी? भोर भी वैसी ही है, पुष्प भी वैसे ही है, किंतु आप जनकपुरी में नहीं है, एक उजाड़ वन में है, और आप राजकुमारी नहीं है देवी, एक वन से दूसरे वन भ्रमण करती दुखियारी है। जहां मेरे राम है वही मेरी अयोध्या, वही मेरी जनकपुरी, और आपने मुझे दुखियारी कैसे समझ लिया? जिस नारी को सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर क्षण हर पल अपने स्वामी का साथ प्राप्त हो, वो नारी दुखियारी कैसे हो सकती है? वो तो सबसे सौभाग्यशाली नारी है।
और यदि वो दुखियारी है तो इस संसार की हर नारी दुखियारी होने को अपना सौभाग्य समझेगी। धन्य है आप, धन्य है। ये वाक्य तो केवल आप ही के मुख से निकल सकते थे। ये पुष्प तोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ गई? भ्राता लक्ष्मण जल लेने गए हैं, तो मैंने सोचा आपकी पूजा का समय हो रहा है, मैं ही पुष्प तोड़ लाऊं। सत्य स्वामी, आपका ये तपस्वी वेश आप पर इतना भव्य लगता है कि राज्य की वेश भी इसकी तुलना में तुच्छ लगता है। सीता, तभी तो मुझे वो जनकपुरी की वाटिका का दृश्य स्मरण हो आया। भ्राताश्री, भ्राताश्री, क्या हुआ अनुज? भ्राताश्री, भ्राता भरत विशाल सेना लेकर हम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से इसी ओर बड़े चले आ रहे हैं। देवाधिदेव, ये किसने आपके नेत्रों को अपनी ओर बांध रखा है? भरत ने। देवी, ये देखकर कोई कह सकता है कि भरत राम की विमाता के पुत्र हैं? सत्य कहा आपने। जिस प्रकार जड़ों में जल के रहते कोई वृक्ष सूख नहीं सकता, उसी प्रकार जिस परिवार में भरत जैसा भाई होगा उस परिवार को कोई नहीं तोड़ पाएगा। संसार की कोई भी विपदा उस परिवार की एकता को भंग नहीं कर सकती। चारों भाइयों में जो स्नेह है, वो परिवार में संबंधों की ऊंची और आदर्श मर्यादा को स्थापित करता है। देखिए भरत किस प्रकार हट कर रहे हैं कि उनकी माताएं रथ में सवार हो जाएं, और इसके लिए वो तर्क भी दे रहे हैं। उन्होंने महारानी कौशल्या जैसी नारी को निरुत्तर कर दिया है। कृपया यूं पैदल चलकर मुझे नरक गामी न बनाइए। किंतु पुत्र, हमें पैदल चलने में कोई कष्ट नहीं होगा। माता, आपको कष्ट हो ना हो, किंतु मुझे तो कष्ट होगा। यदि आपको इस प्रकार भ्राताश्री के समक्ष ले गया तो वो मुझे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। तुम कुछ भी कहो पुत्र, हमें ये तनिक भी नहीं सुहाता कि हम रथों पर सवार यात्रा करें और तुम कांटों भरी मार्ग पर चलते रहो। माता, गुरु एवं माता दोनों देवता समान होते हैं, और मैं ये सहन नहीं कर सकता कि मेरे देवता पद यात्रा करें। कृपया रथ पर सवार हो जाइए। नहीं पुत्र, हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे, हमें भी पद यात्रा करने दो। माता, एक बात पूछूं? अवश्य पूछो। यदि मेरे स्थान पर भ्राताश्री होते और वो आपसे ये कहते तो क्या आप उनकी बात ना स्वीकार करती? तो फिर मेरी बात क्यों टाल रही हैं? पुत्र भरत सत्य कह रहे हैं दीदी। हाँ, ये अपना हठ नहीं छोड़ेगा। चलिए हम रथ पर चलते हैं। अनुज। जी भ्राताश्री। अब तुम भी रथ पर जाओ। नहीं भ्राताश्री, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अनुज, तुम्हें कष्ट होगा तो मुझे दुख होगा, मान लो मेरी बात। भ्राताश्री, आप अपनी साधना पूरी कर रहे हैं,
पर आप मुझे अपनी साधना पूरी करने से वंचित कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। भ्राताश्री राम के पदचिन्हों पर चलना आपकी साधना है और आपके पदचिन्हों पर चलना मेरी साधना है। अनुज, चल। भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भ्राताश्री भरत के राजमत, सत्तामत और अहंकार को चकनाचूर कर दूं। उन्हें यह बता दूं कि आप पर आक्रमण करने और आपको क्षति पहुंचाने के विचार का भी क्या परिणाम होता है। वास्तविकता जाने बिना कोई निर्णय कर लेना वैसा ही होता है अनुज, जैसे घटा के छाने पर दिन को रात्रि समझ लेना। अंधकार सूर्य को निगल सकता है, आंधी एक पर्वत को उड़ाकर ले जा सकती है, पृथ्वी अपना धैर्य खो सकती है, किंतु राजमद और सत्ता के मद में मेरा अनुज भरत भ्रातृ प्रेम को भूल जाए, असंभव है अनुज, यह असंभव है। यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न हुआ होता तो न्याय और धर्म की व्यवस्था बनाना संभव ही न होता। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है अनुज, अवश्य ही भ्रम हुआ है तुम्हें। भ्राताश्री, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, किंतु यदि भ्राता भरत के मन में खोट नहीं होता तो वो अकेले ही आते ना, शत्रुघ्न को साथ लाने का क्या अर्थ है। अनुज, भरत और शत्रुघ्न में वही संबंध है जो तुम में और मुझ में है, एक काया तो दूसरा छाया। यदि लक्ष्मण राम के संस्कारों की प्रतिमूर्ति है तो शत्रुघ्न भी भरत के संस्कारों से परिपूर्ण है। क्या यह संभव है कि अमृत के वृक्ष से विष का फल फूटे? क्या यह संभव है कि लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता सुमित्रा एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जिसमें लक्ष्मण के गुण ही न हो? अनुज, क्या यह संभव नहीं है कि शत्रुघ्न भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही उतावला हो रहा हो? भ्राताश्री, श्री भरत, भ्राताश्री, 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 अनुज, भारत, महारानी कैकेयी, भरत के अश्रुओं ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए। भ्राताश्री, तुमने मुझे भरत जैसा पुत्र दिया, जाओ, मैंने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा किए। भारत,
मुझे मुझे अयोध्या का समाचार सुनाओ भरत। कैसी है मेरी अयोध्या? विदा के समय पिताश्री अत्यंत अस्वस्थ लग रहे थे, कैसे हैं वो? भ्राताश्री, पिताश्री स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने के जंजाल से मुक्त हो गए। आप चले वन को इधर उधर पिता पर लोक, भरत लाल के वचन सुन छाया गहरा शोक। क्या होगा साकेत का नगरी हुई अनाथ, सिंहासन सूना पड़ा चले हमारे साथ, चले हमारे। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री